स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो आप लोग जाने अनजाने कर रहे हो और वो आपके बालों को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर रहे हैं। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके। ओके, तो हेयर मिस्टेक शुरू करने से पहले मैं अपने सभी भाइयों के साथ एक हैक शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। वो ये है कि रात को आप जब भी सोने जाओ तो आप हमेशा एक सिल्क कवर यूज़ करो अपने पिल्लों पे, क्योंकि जब जब आप अपने पिल्लों के ऊपर एक कॉटन कवर यूज़ करते हो तो वो रात भर में आपका सारे बालों का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और सुबह को आपको ड्राई हेयर मिलते हैं। तो इसलिए रात को सोने से पहले अपने पिल्लों के ऊपर एक सिल्क कवर का यूज़ ज़रूर करो। आप इस हैक को ट्राई करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप आके बताओ कि आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो चलो हम चलते हैं अपनी हेयर मिस्टेक नंबर वन पे, जो कि है वेट हेयर मिस्टेक। अब हम लड़के जाने अनजाने अपने गीले बालों को जल्दी सुखाने के चक्कर में उन्हें धोते ही टॉवल से रगड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे बाल जल्दी सूख जाएं। अब सीधे शब्दों में आपको ऐसा नहीं करना है, और वो उसकी वजह कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना है वो आप जान लो। देखो, आप जब भी बाल गीले करते हो ना तो वो बहुत वीक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और उस वीक स्टेज में जब आप उन्हें सुखाने के लिए उन्हें बहुत तेज़ रगड़ते हो तो उनके टूटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट इंडियन मैन के बॉल्डनेस के पीछे उनके बालों को रगड़ना एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। अब आपको करना क्या है, आप या तो अपने बालों को नेचुरली सूखने दो, वो हार्डली 15 से 20 मिनट्स में सूख जाएंगे, पर अगर आपको उससे भी जल्दी है तो आप कोल्ड हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हो। अब कोल्ड हेयर ड्रायर एक तरीके के हेयर ड्रायर ही होते हैं, बस वो ठंडी हवा फेंकते हैं। ओके, सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक पे, जो कि है हॉट अप्लायंस ऑन हेयर। अब अगली गलती जो भाइयों आप लोग जाने अनजाने कर रहे हो वो है अपने बालों के ऊपर हीट प्रोवाइड करना। आपके बाल बहुत वीक होते हैं, नाजुक होते हैं, और इसलिए आप जब भी उनके ऊपर एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हो, भले ही वो आप अपने बालों में गर्म पानी डाल रहे हो सर्दियों में, आप गर्मियों में बिना कैप के घर से बाहर निकल रहे हो, या फिर जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि आप बालों को जल्दी सुखाने के चक्कर में हॉट एयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो, एक्सेस हीट आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है, और लॉन्ग टर्म में एक्सेस हीट आपके बालों के अंदर ड्राइनेस कर देगी, आपकी स्कैल्प ड्राई पड़ जाएगी, एंड ये आपके बॉल्डनेस का रीज़न बन सकते हैं। सो, अब करना क्या है, अब जो जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं आपको इसका ठीक उल्टा करना है। आपको हॉट एयर ड्रायर की जगह कोल्ड हेयर ड्रायर यूज़ करना है। आप गर्मियों में जब भी बाहर जा रहे हो आपको किसी भी तरह अपने बालों को कवर करना है, भले ही वो आप कैप से करो, हेलमेट से करो, या किसी और चीज़ से। उसी के साथ साथ आप सर्दियों में जब भी नहा रहे हो आपको अपने बालों में बिल्कुल तेज़ गर्म पानी नहीं डालना है, आपको हमेशा रूम लेवल टेम्परेचर का पानी यूज़ करना है। तो चलो हम चलते अपनी अगली मिस्टेक पे, जो कि है डाइट। अब डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दोस्त भी बन सकती है और दुश्मन भी। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए, आपके बाल बने होते हैं प्रोटीन से। जो बालों को आप टच करते हो वो बॉडी बनी होती है प्रोटीन से। अब आप जितना हेल्दी खाना खाओगे, जितना प्रोटीन रिच खाना खाओगे, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपके बालों को खाना मिलेगा और वो हेल्दी रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। पर अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो या बहुत ज़्यादा टबैको का कंजम्पशन करते हो तो आपके बालों तक प्रोटीन पहुँचना तो दूर की बात, जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आपकी ब्लड कैरिंग वेसल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में ये आपके बॉल्डनेस का रीज़न बनेगा फॉर श्योर। ओके, तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक पे, जो कि है एक्सेस हेयर प्रोडक्ट्स। अब मेरी नज़र में एक फ्रेश हेयर कट हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है हेयर प्रोडक्ट्स लगाने से, क्योंकि अगर आपने एक बार हैबिट डेवलप कर ली कि आपको हर 3 से 4 हफ्ते में एक फ्रेश हेयर कट लेना है तो आपको लाइफ टाइम शायद ही कभी हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। पर अगर आपको फिर भी हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है तो बिल्कुल यूज़ करो, बट बिल्कुल बेसिक रूल्स के साथ। हेयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर वैक्स एंड हेयर स्प्रे आपके बालों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाने में हेल्प करते हैं, पर ड्यू टू एक्सेसिव कंपटीशन और एक्सेसिव डिमांड आपको एक हाई क्वालिटी पैकेजिंग के अंदर बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो या तो आप इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो या इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो इन बेसिक 3 स्टेप्स के साथ। नंबर 1 पे आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, लेट से अ मंथ में कितनी बार यूज़ कर सकते हो। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक मंथ में किसी भी हेयर प्रोडक्ट को 2 से 3 बार से ज़्यादा मत यूज़ करो। 2 से 3 बार आपके बालों के लिए सफिशियंट है,
अगर आप उससे ज़्यादा अपने बालों के अंदर हेयर वैक्स हेयर स्प्रेज यूज़ करते हो तो वो एक तरीके से आप अपने बालों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सेकंड पॉइंट आता है डोसेज का। अब आप अपने बालों के अंदर जब भी हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करो आप हमेशा कोशिश करो कि आप उसकी क्वांटिटी कम रखो जिससे आपके बालों के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। थर्ड पॉइंट है आफ्टर पार्टी, मतलब आप जब भी पार्टी या फंक्शन से वापस आओ तो आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया है बालों में आपको उसे धोकर सोना है जिससे उस प्रोडक्ट की जो लेयर है वो आपके बालों की बॉडी से हट जाए और रात भर आपके बाल एक नेचुरल ऑक्सीजन में ब्रीथ कर सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो शायद इस मिस्टेक्स को कर रहे हो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।